पड़ोसी देश श्रीलंका के बाद अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी चरमराने लगी है। कुछ महीने पहले ही मुल्क के नए वजीर आजम बने शहबाज शरीफ साहब मुल्क की इस बदहाली को संभाल नहीं पा रहे। वो और बात है कि इसी को मुद्दा बनाकर उन्होंने तमाम विपक्षी दलों को लामबंद करते हुए इमरान खान सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। सत्ता बदली, सरकार बदली और बदले पीएम भी, लेकिन हालात फिर भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब तो ये कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर है, यहाँ भी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द क्रैश कर जाएगी और ये भी आर्थिक तौर से पूरी तरह तबाह हो जाएगा। इस तरह की चर्चाओं के जोर पकड़ने का कारण इसका तेजी से घटता विदेशी मुद्रा भंडार है, जो लगभग खत्म होने की कगार पर है। इसका असर दिखाई भी देने लगा है। शहबाज सरकार ने आयात में भारी कटौती की है, यहाँ तक कि लोगों से ये अपील भी की गई है कि वे आयात होने वाली चीजों का कम से कम इस्तेमाल करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ओर से साझा की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार महज 22.62 करोड़ डॉलर ही रह गया था। वर्तमान में मध्य जुलाई तक इसमें और गिरावट आई होगी, इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शहबाज सरकार के ऐसे कदम के पीछे वजह यह है कि पाकिस्तान पर 2021 और 22 की पहली तिमाही में विदेशी कर्ज बढ़कर 11 अरब डॉलर हो गया है, यानी एक और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडारण तेजी से खत्म हो रहा है, तो वहीं उस पर मोटे विदेशी कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान में लोगों को महंगाई के जबरदस्त थपेड़े झेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस समय जबरदस्त आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हालात वहां पर तब बने हुए हैं जब उसके मित्र देश चीन ने उसे हाल ही में 2.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। उसके बावजूद शहबाज सरकार ना तो अपनी आर्थिक स्थिति को दुरुस्त कर पाई और ना ही उसके विदेशी मुद्रा भंडार में कोई सुधार दर्ज किया गया। हालांकि यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस चीन को वो अपना मित्र कहता है, उस चीन ने पाकिस्तान को मदद के नाम पर जो 2.3 अरब डॉलर का कर्ज दिया था, वो बेहद उच्च दरों पर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन इमरान सरकार के दौरान ही ये कर्ज देने को तैयार था, लेकिन यहाँ नई सरकार के गठन के बाद पाकिस्तान को चीन से कर्ज पाने के लिए 2 महीने का इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तान ने IMF से भी फंड पाने की कोशिशें की थी, लेकिन वहां से उसे मायूसी हाथ लगने के बाद विश्व बैंक और एशियन बैंक से भी उसे परियोजनाओं के लिए फंड नहीं मिल पा रहा। वहां हालात ऐसे बन गए हैं कि वो अपने पुराने कर्ज उतारने के लिए नए मिलने वाले कर्जों पर निर्भर हो गया है। पाकिस्तान की ऐसी आर्थिक दुर्गति की तुलना अब श्रीलंका से की जाने लगी है, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्रैश होने से पहले हालात कुछ कुछ इसी तरह से बिगड़ने शुरू हुए थे। पाकिस्तान में इस समय महंगाई चरम पर है, विदेशी मुद्रा तेजी से खत्म हो रही है, जिसका सीधा असर अब धीरे धीरे यहाँ की आम जनजीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब दैनिक जरूरतों की चीजें भी बेहद महंगी हो गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।